नमस्कार, यूसन स्पोर्ट्स चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ शहर की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती नंदा ताई जिचकार मेरे साथ हैं, और क्योंकि एनएमसी भी इस क्रीड़ा महोत्सव के साथ जुड़ा हुआ है तो जरूर इनसे इनकी राय भी हम लेंगे। पहले स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, ये बताइए कि क्रीड़ा खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2018 की जो है उसमें आपका ओवरऑल परसेप्शन क्या रहा है इस गेम के बारे में? पहले तो मैं UCN का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 3 चैनल हमारे खासदार क्रीड़ा महोत्सव के लिए चला रहे हैं और सभी नागपुर की जनता अपने हिसाब से अपने जो गेम है वो देख रही है, इसलिए UCN का धन्यवाद देना चाहती हूँ। खासदार क्रीड़ा महोत्सव का परसेप्शन बोले तो ये एक ऐसा माहौल सिटी में बना है कि जो इसके पहले कभी नहीं बना जी। और ये वैकेशन पीरियड चल रहा है, सभी बच्चों को घर में एग्जाम खत्म होने के बाद ये जो पीरियड रहता है 1-1.5 महीने का कि घर में क्या करें, बच्चे टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, ये बच्चे आज बाहर निकल के मैदान में खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और क्या आपने कभी अपेक्षा की थी कि इसमें 25,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे? हमारी तो अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है और हमारे तरफ बच्चे आते हैं कि हमें खेलना है, अपनी अपनी टीम बनाते हैं। ये जो खेलने का ये जो माहौल है इसमें एक विशेषता ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी आए जिसको स्पोर्ट्स से प्यार है, अपनी टीम बनाए, सोलो गेम होगा तो सोलो गेम खेलिए और हर एक को खेलने का चांस मिल रहा है। जी, जी। तो ऐसा किसी को नहीं कि आप खेल नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ऐसा कहीं भी नहीं है। और हर एक जन खेल सकता है, ये भी इससे प्रूव हुआ है। मतलब जैसे खेल कहा है, जग दे नागपुर खेलो नागपुर। हाँ। मतलब नागपुर के तमाम लोग आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नागपुर के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हम खासदार नितिन गडकरी साहब को, जिनकी संकल्पना बिल्कुल पूरे देश में इस किस्म की एक पहली संकल्पना, एक योजना, एक प्रोजेक्ट है और वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि सांस्कृतिक महोत्सव भी उतना ही सक्सेसफुल हुआ और ये भी अपेक्षा से ज्यादा ही सक्सेसफुल रहा है। हमारे नेता केंद्रीय मंत्री नितिन जी, इनकी सोच ही अलग है, ये सोशल यानी समाज कारण से राजकारण करते हैं। इनकी सोच यानी आपने देखा खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, उसमें पूरे फैमिलीज ने अपने अपने यानी अलग अलग विषय पे वहाँ पे सांस्कृतिक समारोह में पूरे कार्यक्रम चले और एक एक क्लास के लिए, स्टूडेंट्स के क्लास के लिए जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक का है, कुछ अच्छे अच्छे विषय पे वो जो कार्यक्रम रखे वो हर एक अलग अलग क्लास था। हर एक अलग अलग क्लास के लिए वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए थे। अभी खासदार क्रीड़ा महोत्सव में भी अलग अलग 20 गेम रखे है और ये 20 गेम ऐसे है जो जहाँ पे ओलंपिक में चलता है, एशियन गेम्स में चलते हैं और बच्चों को ये गेम से बड़ा लगाव है। हमारे नागपुर में 31 ग्राउंड पे ये साइमल्टेनियसली सब तरह ये क्रीड़ा चल रहा है, रात्रकालीन क्रीड़ा चल रहे हैं और यहाँ पे करीबन 1,000 के ऊपर कोचेस यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, रेफरीज है और 25,000 से 30,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के ग्राउंड से, NIT के ग्राउंड से, जो भी खेल मैदान यहाँ पे मशहूर है सभी जगह पूरे नागपुर में ये गेम चल रहे हैं। और ये जो विशेषता इसकी ये है कि महिलाएं बाप आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महाविद्यालय भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने जो साइकिल इवेंट आयोजित किया उसमें तो 70 साल के ज्येष्ठ लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब ये सराहनीय कदम है और इनको तो स्पेशल अवार्ड देना चाहिए कि कम से कम पार्टिसिपेटिंग स्पिरिट है उनमें। बिल्कुल। और हमने जैसे 65 लाख बख्शीस के तौर पर हमने बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स दिए है, एक सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने की बात है, ये पैसा विषय नहीं है, लेकिन बच्चों को उसके तरफ गेम के लिए एनरोल करना, उनके तरफ उनको अट्रैक्ट करना, ये हमने जो बीज है ये नागपुर में ये बो दिया है। अभी ये चलने वाला सिलसिला, ये रुकने वाला नहीं है। नितिन जी ने तो बताया है कि हर एक प्रभाग में नगर सेवक ने 5 मैदान पे ऐसे कॉम्पिटिशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है जी।
तो आप सोचिए पूरे नगर सेवक जितने हैं 151 नगर सेवक अपने अपने प्रभाग में ऐसे करेंगे तो ये कितना माहौल बनेगा क्रीड़ा का, एक स्पोर्ट्स कल्चर ही डेवलप होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है यदि हमें गेम में आगे बढ़ना है, गेम हमारी लाइफस्टाइल बनना है या गेम इतना आवश्यक है। हम मानते हैं कि शारीरिक और मानसिक संतुलन रहने के लिए गेम बहुत क्रीड़ा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो नितिन जी का यही कहना है कि जो हम बच्चों में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है पढ़ाई करते करते, फ्रस्ट्रेशन ये वो सब निकलता है गेम से, ये अपने मन में कुछ भी नहीं रहता निगेटिविटी। और वो जो स्पोर्ट्स जैसे आप कभी लूज करते हैं कभी विन करते हैं तो ये भी स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है वो डेवलप होता है सही कहा, खेलने से। आप देखते होंगे कि बहुत कभी कभी हम पेपर में न्यूज पढ़ते हैं कि 12th का बच्चा है पढ़ रहा है और उसने कुछ भी फ्रस्ट्रेशन आया तो सुसाइड कर लिया, लेकिन कभी नहीं पढ़ते कि एखादे स्पोर्ट्समैन ने सुसाइड किया है। कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते। तो ये मानसिक विकास जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से होता है। मतलब हार जीत को एक्सेप्ट करना ये भी जिंदगी का एक फलसफा है और इसको अभी से इन बच्चों में इनकलकेट कर देना एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि अप्रैल 11 या 12 के आसपास में आप ही ने इनॉग्रेट किया इस क्रीड़ा महोत्सव को और उसके बाद एक महीने में फटाफट डेवलपमेंट हुए। मतलब अपेक्षा नहीं थी कि ग्राउंड 31 ग्राउंड तैयार हो जाएंगे, आपने रातों रात ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चला दी कि सारे के सारे ग्राउंड्स तैयार हो गए। बिल्कुल, वो तो हमने यानी सभी हमारी जो NMC की सिस्टम है सभी काम पे लगाई है और हमारे जो लोक प्रतिनिधि है हमारी आज पूरी पार्टी की टीम है कार्यकर्ताओं की, वो हमारा युवा मोर्चा है, हमारा महिला मोर्चा है, हमारा सभी मोर्चे जो है काम में, सभी को काम बांट बांट के देके ये बहुत ही हमारे जो संदीप जी जोशी है उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मतलब इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है और उसमें 31 ग्राउंड्स को रातों रात तैयार करना एक प्रकार से और सारे चीजें जो अपने अपने प्लेस पर है। जैसे कुछ देर पहले पीयूष अम्बुलकर जी आए थे यहाँ पर सेक्रेटरी जो इस कमेटी के और उन्होंने कहा कि हमने एक माइक्रो लेवल पे प्लानिंग किया इसको, तो ये डिटेलिंग आपके गाइडेंस में या फिर कैसे हुआ था इसके बारे में? ये तो कुछ भी काम करना है तो दैट इज टीम वर्क। टीम बनाई जाती है पहली और टीम बनाते समय ये देख जाते कि कौन से व्यक्ति में कौन सी स्पेशलिटी है, जो कोई वो काम कर सकते है उसे वही काम हम सौंपते हैं। हमारे पार्टी का ऐसा ही है, जो भी बड़ा इवेंट रहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी देख के, उसकी पॉजिटिव कैपेसिटी, उसके जो भी पॉजिटिविटी वो देख के उसको वो काम दिया जाता है और वो उसमें बिल्कुल 100% पास हो जाता है वो काम। तो ये टीम वर्क है और अभी हमें आदत है, बहुत सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं तो पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग वो एक्सपीरियंस यहाँ काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर एक सवाल उठता है यहाँ पर, जैसे है ना इनका इनकी एक संकल्पना थी कि भाई विदेशी गेम्स को तो हम महत्व देते ही है, जैसे फुटबॉल है क्रिकेट है हम इसको देते, लेकिन हॉकी इंडिया का ही गेम है, कबड्डी खो खो ये इंडिया का, ये देशी गेम है खो खो कबड्डी वगैरह, इसको एक बढ़ावा देने के हिसाब से उन्होंने तालुका तहसील प्लेसेस के भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेसेस है वहां से भी उन्होंने आमंत्रित किया, तो एक अच्छी पहल है जहां विदेशी गेम और देशी गेम में एक बैलेंस बनाए रखने की। ये तो बहुत अच्छा, अभी ये जब हमारे अक्षय कुमार जी आए थे, गोपी चंद जी आए थे, उन्होंने बताया कि बाहर के गेम के बजाय हमने हमारे इंडिया की जो ओरिजिनलिटी है उसको बढ़ावा दिया तो इसमें और प्रोग्रेस ज्यादा हो सकता जी, है जी। और ये हमारे इंडिया की शान है, जैसे हम कहते हैं कि योगा इज फ्रॉम ओनली इंडिया और इसका उसका इतना महत्व है कि आज इंटरनेशनल डे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने पूरे विश्व में ये कर दिया। तो यही है कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसे यदि बढ़ावा दे जाए तो हम उसमें यकीनन उसमें हम आगे जाते हैं जी। आपने संस्कृति की बात की और हमारी एक संस्कृति रही है कि हम हमेशा दूसरों का आदर सम्मान करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, और कबड्डी बोलिए खो खो बोलिए ये मिट्टी में खेली जाने वाली गेम है, लेकिन विदेशी प्लेयर्स को तकलीफ ना हो इसलिए हमने मैट सिस्टम मैट कोर्ट्स लगवाए और उनको प्रैक्टिस, भले ही उसके कारण हमारे इंडियन प्लेयर्स को बहुत तकलीफ हो गई जिनको मिट्टी में खेलने की आदत थी उनको मैट पे खेलने में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, तो इसके लिए कहाँ कैसे आपने प्रोविजंस किया था मैट कोर्ट्स के लिए?
हाँ वो तो आजकल चलता है क्योंकि हाँ। थोड़ा जैसे जैसे टाइम बदलता है हाँ। तो ये थोड़े थोड़े बदलाव भी उसमें आते हैं, चेंजेस हाँ। आते हैं हाँ। क्योंकि नए बच्चे भी ये गेम के लिए आकर्षित होना चाहिए, इसलिए हमने मैट्स वगैरह आजकल आए हैं। अच्छा है, बच्चों को ज़्यादा लगता नहीं है, नहीं तो पुराने ज़माने में पड़ गिरते थे तो सब खून वगैरह बहता था, तो ये अच्छा है और बच्चों को आकर्षित करने के लिए भी अच्छा है। और जो भी बदलाव आते हैं वो हमें हमने भी एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट अभी भी आप महिला क्रिकेट का जो इवेंट है वो उद्घाटन करके आ रही हो, आप मेरे ख्याल से आप भी खुद इंटरेस्टेड हो इस स्पोर्ट में, तो किस किस्म का एक माहौल आपको लगा वहाँ पर अंबेडकर कॉलेज के ग्राउंड पे जहाँ महिला क्रिकेट का उद्घाटन हुआ? बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, 21 टीम करीबन क्रिकेट की पार्टिसिपेट करने आए हैं और मेरे भी स्कूल में मैंने गेम्स खेली हूँ, जैसे बैडमिंटन है, हॉकी है, ये हमारे कॉलेज लाइफ में हमने भी खेले हैं, तो मुझे भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बहुत लगाव है। और वो जहाँ मैं आज देख के आई हूँ कि सब महिलाएं बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे, खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं अच्छी तरह से खेल सकते हैं, लेकिन खेल रही थे महिलाएं और जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये स्पोर्ट स्पिरिट जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि यदि कोई माता ये ऐसे एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो उनके बच्चों पे उस पर असर पड़ता है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मम्मी कुछ तो भी कर रही है, तो वो भी प्रेरित होंगे, वो भी प्रेरित होंगे। हाँ तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी महिलाओं में हम अंबेडकर ग्राउंड पे चला रहे हैं। यहाँ संदीप जोशी आए थे, रूपा राय आई थी, यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कई सारे डिफरेंट इवेंट्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग आए थे। हमारे को ग्राउंड से जो फीडबैक मिलता है वो फीडबैक हम उनको कन्वे कर देते हैं कि भाई इस किस्म की लोगों की फरमाइश है। उनमें से एक फरमाइश थी जहाँ महिलाएं आती थी बच्चों को छोड़ने, अंडर 12 अंडर 14 के जो बच्चे आते थे तो जनरली उनकी मम्मी आती है उनको छोड़ने वहाँ पर, और वो 2-3 घंटे वहाँ पर खड़े होकर वो मैच देख रही। तो उनमें से कुछ लोगों ने हमारे रिपोर्टर को ये एक दरखास्त की कि भाई हमारे लिए भी कुछ रखो, हम 2-3 घंटे क्या करेंगे यहाँ पर, उससे हम भी पार्टिसिपेट, भले वो फन के लिए हो और वो फन हमारे वेटरन्स के लिए भी रख दीजिए। तो इस किस्म के कुछ पहल आप करेंगे अपने नेक्स्ट कमिटी? हमने किया है ना, हमने हाँ। जो साइकलॉथन में भी जो पार्टिसिपेंट्स थे हाँ। उसमें कंपटीशन तो थे लेकिन कुछ फन के हिसाब से भी हमने रखे थे कि एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस, ऐसा कुछ ये नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे भी महिलाओं ने भाग लिया था। अभी क्रिकेट में भी महिलाएं टीम बनाना पड़ता है, क्रिकेट में एक एक टीम बनाना पड़ता है, तो जैसे एथलेटिक्स थे एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। करीबन आप जरा आपका नंबर नहीं आएगा कंपटीशन में, आप उतरेंगे नहीं, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया वो खुशी के लिए जी। मतलब आने वाले दिनों में हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि इन वेटरन्स के लिए भी कुछ ना कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे आप। पक्का करेंगे। पता चला मैडम कि जैसे कुछ 20 स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है, इन 20 स्पोर्ट्स इवेंट्स को जो आपने किया वो सोच समझ के आपने किया कि ये स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन कुछ एक लोग यहाँ पर ऐसे भी आए जो कह रहे थे कि भाई हमारा स्पोर्ट नहीं इंक्लूड किया इसमें, जैसे बॉक्सर है, बॉक्सिंग है, या फिर बाद में ब्रिज है, ऐसे कुछ गेम्स है, तो इनका कहना था कि इसको भी इंक्लूड करो। तो ये इंक्लूड करते समय आप क्राइटेरिया क्या रखते हो, किस बेसिस पर कुछ स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हो, कुछ स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड करते हो? नहीं, क्राइटेरिया क्या, डिमांड है, डिमांड किसकी ज्यादा है और बच्चे कौन से गेम ज्यादा खेलते हैं, वो हमने 20 लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 20 ही अगले साल रहेंगे, दैट कैन बी चेंज। वो हम कुछ निकाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, नहीं तो पूरे ले सकते हैं। ये तो हमारा पहला ये इवेंट था, मतलब पहला साल है, ट्रायल है। हाँ, तो जो किसी को नाराज नहीं करना है, हम हमारे नागपुर के जनता के लिए सब करें, जनता को हमें कहीं भी नाराज नहीं करना है, जनता के हिसाब से हमें करें, जनता के लिए ही कर रहे हैं, अल्टीमेटली जनता के लिए करें, तो किसी को नाराज नहीं करना है, जो भी बोलेंगे तो अगले साल उसको एडजस्ट कर देंगे, जी, कोई प्रॉब्लम। मतलब इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि आप पहले रिस्पांस देखेंगे कि किस स्पोर्ट को कितना रिस्पांस मिला, उस हिसाब से उसको आगे रखना या निकालना ये आप तय करेंगे, और कुछ नए स्पोर्ट्स भी आगे चलकर इंक्लूड करेंगे। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी साहब ने कहा, जिसमें आप भी शामिल थी, कि इस ऐसे इवेंट के लिए 10 करोड़ फंड रिजर्व रख लिया जाए, तो कॉरपोरेशन इसके बारे में क्या विचार रखती है और इसको कैसे आप डिमांड को पूरा करोगे? हाँ, फंड तो
कहीं से भी ला सकते हैं, डीपीडीसी से ला सकते हैं, खासदार फंड से ला सकते हैं, एनएमसी के कारपोरेटर से ला सकते हैं, स्टैंडिंग फंड का विषय नहीं रहता है। फंड तो हमें पहले इवेंट तय करना है, फंड कहीं से भी ला सकते हैं। तो ये यदि गडकरी साहब ने बोला है तो होने ही वाला है। जी हाँ, he is a man of words, तो जो कहेंगे वो होगा। वो तो विजनरी, he is a visionary man। फंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि भाई कौन से गेम्स को कब कैसे इंक्लूड करना है। तो आपको क्या लगता है 10 करोड़ रुपए पर्याप्त हो जाएंगे हमारे ग्राउंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या और भी जरूरत पड़ेगी, या फेस वाइज कुछ जोन के ग्राउंड्स इस बार डेवलप करेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे प्लान से आपके? नितिन जी का सपना है कि हमारे नागपुर में अच्छा अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट होना चाहिए। उनका एक सपना यही है कि हमारे नागपुर में वाठोड़ा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बड़ा स्टेडियम ओलंपिक लेवल का वो बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए उनके पूरे प्रयास है, वो प्रोसेस में है काम। और ये जो है ये 10 करोड़ का नहीं, वो तो कितना 200 करोड़ के ऊपर का काम है। तो 10 करोड़ ये अपर लिमिट, यू कैन नॉट डिसाइड। ये तो चलने वाली प्रोसेस है। बच्चों को आपको इंस्पिरेशन करना है और बच्चों को खिलाना है, और हमारे इसी में से अच्छे अच्छे बच्चे हम निकल सकते हैं जो ओलंपिक लेवल पे खेलेंगे, एशियन लेवल पे खेलेंगे। तो ये अब तो चालू हुआ है सिलसिला, अभी इसके बाद भी चालू रखना ही है। मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है, और अगले साल 2-3 साल में शायद ये एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जिस वजह से आप इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। बिल्कुल। अभी एक अनुभव बताते मैं आपको, जैसे ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव चला, तो छोटे छोटे बच्चे जो है 4th-5th standard के, वो मेरे तरफ आए, 4-5 बच्चे, और वो मुझे बोलने लगे कि मैडम हम प्रताप नगर प्लेयर्स लीग ऐसा निकाले हैं, हमें ये ग्राउंड पे करना है। देखो यानी छोटे बच्चे, बिल्कुल 3rd-4th standard के बच्चे, प्रताप नगर स्कूल से, मैं प्रताप नगर में रहती हूँ, तो वो मेरे घर पे है, और हमें भी करना है ऐसे कॉम्पिटिशन्स। तो देखो ये स्पिरिट हो गया बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में हो गया है कि हमें भी खेलना है। बड़े कुछ गेम है जो बड़े बच्चों के रहते वो नहीं खेल सकते ग्राउंड पे, तो वो बच्चों में भी अभी स्पिरिट हो गया कि हमें भी ऐसा करना है, हमें भी खेलना है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। क्योंकि एक ऐसी पीढ़ी जो मोबाइल और आईपैड और आईफोन में घुसे हुए हैं, वो कम से कम वहां से निकल के फिजिकली एक्टिव, और वैकेशन में तो बहुत ही बुरा असर होता है इन चीजों का। जी हाँ हाँ, और कम से कम वो इससे निकल के ग्राउंड पे आने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी मैडम, ये बताइए, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन आए थे यहाँ पर, उनका कहना था कि भाई बहुत कुछ करना चाहते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन हमारे पास वो बेसिक फंड्स कहिए, फैसिलिटीज नहीं है, और कई बार अल्टीमेट एम है कि ये स्पोर्ट्स के माध्यम से हम कहीं नौकरी रोजी रोटी का एक बंदोबस्त कर ले, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने भर्ती बंद कर दी फिलहाल कई सारे ऑफिस में वगैरह। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करोगे, या कैसे, किस नजर से देखोगे आप? अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा कि सीएम साहब ने बोला है कि 36,000 जॉब्स क्रिएट ये होने वाले, सरकार में भर्ती होने वाले, तो यकीन वहाँ पे भी स्पोर्ट्स कोटा रहेगा। और स्पोर्ट्समैन की डिमांड है कि ये खेलते हैं तो इनका स्पोर्ट्स कोटा जो है नौकरी में वो बढ़ना चाहिए। मैं भी मानती हूँ कि ये बच्चे इतना अपना करियर उसमें देते हैं और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान इतना नहीं होता गेम्स के कारण, तो उन्हें स्पोर्ट्स कोटा बढ़ना ही चाहिए उनका। और ये हमारी जो सरकार है आज की, ये सभी सब्जेक्ट पे विचार करती है। जैसे आपने देखा होगा दिव्यांग का भी ये बजट में बहुत अच्छा बढ़ा दिया, ये भी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि खेलना चाहिए, बच्चों ने खेलते रहना चाहिए, एक दिन उनको उसका फल मिलने वाला है। जी जी। अगर जहाँ आपने इसकी पढ़ाई लिखाई की बात की और बाद में स्पोर्ट्स की बात की, आमतौर पे देखा गया एक भारतीय हाउस होल्ड ले लीजिए, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली ले लीजिए, इनमें एक क्लियर कट ओपिनियन रहता है कि भाई हम एकेडमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, स्पोर्ट्स को कम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के भरोसे हम अपने बच्चे की लाइफ को खराब नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करना है, तो कैसे आप इस बारे में एक विचार रखती हो, या फिर बाद में इसको कैसे स्ट्राइक करोगे आप? मेरे विचार ऐसे हैं कि यदि आपको डेवलप होना है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए। एकेडमिक में बहुत अच्छे परसेंटेज मिले इसका मतलब आपको जल्दी से नौकरी लगेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज आपका फुल पर्सनैलिटी कैसी है उसके ऊपर ही आपका जजमेंट होता है। कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं पे आपको ये है ना, यानी कॉम्पीट करना है तो। और जैसे आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आता है, और ये जो मोटर मूवमेंट्स आप जो बोलते हैं, हाँ वो भी अच्छे रहते हैं।
और फिजिकली आप कभी भी तंदुरुस्त रहेंगे तो मुझे लगता है आप यू विल विन द रेस. फिजिकली अच्छे नहीं तो हम देखते हैं ना बहुत सारे मेरिट आएंगे, फर्स्ट मेरिट आएंगे, तो जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं. लेकिन ये कॉम्बिनेशन है आपके पर्सनैलिटी का, आप कौन से विषय में आगे जाते हैं. और ये कॉम्बिनेशन पूरा ही चाहिए आपका, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए. आजकल तो आप देखते हैं ना कि इमोशनल क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कोई कहीं पे भी जाते हैं. अभी एडिशनल सोशल क्वेश्चन भी लग गया है उसको, पहले सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखते थे. टाइम इज गोइंग टू चेंज, ये सब चेंज हो रहा है. आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल है. सक्सेसफुल टू बी अ सक्सेसफुल मैन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इमोशनली सोशली, ये सब बैलेंस करना है आज. तो क्या यही वजह है कि जो इस रीसेंट स्पोर्ट्स में देखा हमने, खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2018 में, जहाँ तक खो खो का सवाल है, कबड्डी का सवाल है, मतलब रूरल एरिया के प्लेयर्स ने ज़्यादा डोमिनेट कर लिया इस पर, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है. तो यही वजह है कि वो लोग आगे निकल गए और ट्रॉफीज जीत के चले गए. हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी देखा. हाँ. क्योंकि कल ही हमारे यहाँ जो वॉलीबॉल स्पर्धा हुई वहाँ पे नागपुर के बच्चों को हरा के काटोल आगे निकल गया. जी जी, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया. ये होता है ग्रामीण ग्रामीण इसमें क्या रहता है, पेरेंट्स का बॉदरेशन कम रहता है, फुल स्विंग में बच्चे खेलते हैं, मतलब जो भी करेंगे अपने मन से, मन से करते हैं. हमारे अर्बन एरिया में पेरेंट्स का डोमिनेटिंग नेचर ज्यादा रहता है बच्चों पे, और ये बच्चों के प्रगति के लिए भी कभी कभी ये होता है. बच्चों को फुल स्विंग में जो करना है करना चाहिए बच्चों ने. और जो ग्रामीण में अच्छा रहता है, जो जो बोलते हैं ना संघर्ष में जो आगे जाने की नींव है वो रहती है, वो रहती है जितना. हाँ, आप उसको आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देना है आपको, बस और वो अपने आप कर निकल जाएगा. हाँ. कुछ समय पहले यहाँ पर सोमोलर स्कूल के एक फिजिकल एक्सरसाइज टीचर आए थे यहाँ पर, जिन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा और उसके बारे में मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा. उनका ऐसा कहना था कि आजकल के जो बच्चे हैं शहरी बच्चे खासकर, तो सुबह 6 बजे उनका लाइफ चालू होता है, वो तैयार होकर निकल जाते कोई क्लास और वहां से दूसरा क्लास और फिर वहां से घर आके तैयार होके फिर स्कूल जाते, फिर शाम को फिर से एक क्लास, दो क्लास और रात को 8-8:30 बजे जाते हैं. मतलब बाय द एंड ऑफ द डे ही इज टोटली एग्जॉस्टेड, राइट. तो उनका ऐसा कहना था कि, और इतना सब होने के बावजूद वो बच्चे को शायद 2-5-4 मार्क ऐसे मिले हैं, मतलब नॉट अ वेरी गुड स्कोरिंग, ऐसा उनका कहना है. तो पेरेंट्स जब उनके पास काउंसिलिंग के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि आप ऑफिस में कितने घंटे काम करते हो. तो उन्होंने कबूल किया पेरेंट्स ने कि भाई अगर 8 घंटे का ऑफिस है तो हम मुश्किल से 4-5 घंटे काम करते हैं, बाकी 2-3 घंटे हम भी लेजिंग करते हैं या कहीं चाय वाय पी के आते हैं, इस हिसाब से होता. तो जब पेरेंट्स खुद ही 8 घंटे तक ड्यूटी नहीं कर सकते और उसमें 5 घंटे ईमानदारी से करते और 3 घंटे रिलैक्स करते, तो बच्चों के ऊपर ये बोझ क्यों? तो इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ ले जाने की जब मैंने बात कही उनसे तो उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है, उन्होंने करना चाहिए. तो इसके बारे में आपके विचार क्या है? इसमें तो पूरा मैं मानती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने एम्बिशंस बच्चों पे लादते हैं, और खुद पेरेंट्स को ही पता नहीं रहता कि एजुकेशन व्हाट इज एजुकेशन, जिन पेरेंट्स ने एजुकेशन किया है उनको पता रहता है कि एजुकेशन क्या है. एजुकेशन ये है जो लाद ऐसा कंपल्शन नहीं कर सकते आप, उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको वो सब्जेक्ट चाह उसमें होना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए. प्राइमरी एजुकेशन एक बार आपके मदर टंग में हो गया तो आपको पढ़ाई क्या है तो ये समझता है, रुचि आती है. रुचि इज द मेन चीज, कि आपको यदि इंटरेस्ट नहीं हुआ, ये जो क्लास 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 जो है ना ये बच्चों पे सब लाद आ गया, ये बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चा क्या सोता होगा वो क्लास में? नहीं, कहने तो बंक करता होगा. हाँ. आपको लगता है मेरा बच्चा क्लास में गया. हाँ. वो कहीं पे भी गार्डन में जाके बैठेगा, आपने तो लगा के दिया. हाँ. लेकिन बच्चों में रुचि जब तक नहीं आती तब तक वो पढ़ाई में आगे बढ़ नहीं सकता. हुँ. और क्लास आपको लगता है क्लास लगाने से परसेंटेज बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे? 2-4% ही बढ़ेंगे ना. 2-4% कम मिलने से क्या बच्चा कम होशियार हो जाता है? क्या? बिल्कुल नहीं. 80% वाला बच्चा भी उतना ही होशियार है, 85% वाला भी उतना ही होशियार है, लेकिन हमें लगता है 90 मिलना चाहिए. इसके कारण ये सब जो रेटरेस चल रही है वो ही घातक है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. आपको याद होगा आपके जमाने में या मेरे जमाने में, हम जब स्कूल जाते थे 10:30 से 4:30 तक स्कूल रहता था, सुबह भी खेलते थे शाम को भी खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्टिविटीज होते थे, ये सारे. आजकल वो सब हटा के कॉम्पिटिशन स्पिरिट इतना बढ़ गया है कि अगर मेरा बच्चा अगर है तो उसको मेरिट में आना है, उसको ये
फलाने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उसका ये करियर बनना है, इस तरह एक ओरिएंटेशन हो गया है, जिस वजह से शायद ये पूरा खेल बिगड़ता नजर आए। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे? नहीं, ये जो रेट रेस है उसका नतीजा हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बी हुए, इंजीनियर हुए, लेकिन दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो वो लोग नहीं फिट नहीं है, फिट नहीं है। वो एग्जाम के इस पे पढ़ाई करते हैं और मेमोरी की टेस्टिंग है वो एक्चुअली, और वो पेपर लिखते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं प्रैक्टिकल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल। यानी मैं तो ऐसे बच्चे देखी, बी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, सिंपल सा छोटा प्रोग्रामिंग भी उनको आता नहीं है। ये बहुत शोकांतिक है बी कंप्यूटर साइंस, और ये चिंता का विषय, चिंता का विषय। ही इज बी इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन हमने उसको 5-6 लाइन का प्रोग्राम करने के लिए बोला तो कर नहीं सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है कि पूरा मेमोरी में लेके वो पेपर लिखते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना उनको, सिर्फ पास होना है बस। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी दोष है इसमें, क्योंकि उस बच्चे की जो रुचि उन्होंने देखा नहीं, सब गए इंजीनियरिंग लाइन में, तो मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग लाइन में गया, इस किस्म की बातें हो जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता। क्यों ना ऐसा करें कि अगर उसको जिस स्पोर्ट में, जिस चीज में, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको उसमें और डेवलप कराया जाए। नहीं, बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो तो वो करने ही वाला है, हमें सिर्फ उसको एनवायरनमेंट सप्लाई करना है, जैसे एनवायरनमेंट देना है उसको, विदाउट फोर्सिंग। हाँ, विदाउट फोर्सिंग। और ये यानी एक एजुकेटेड माँ बाप का यही काम है को देना, तो बेसिक एक एजुकेशन तो चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, एक आपका बेसिक ग्रेजुएशन है, बेसिक एजुकेशन है वो चाहिए, उसके बाद बच्चा ही खुद में ढूंढता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए। कभी कभी बहुत जल्दी पहचान नहीं सकते अपने आप को कि हमें किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरू से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं है, और इसके कारण ऐसा होता है कि हमें बहुत दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज में माहिर है जी। तो किसी को देर लगती है, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि ये जो एजुकेशन है इसके हम अपने पाँव में बेड़ी क्यों बना के रखते हैं कि यदि मैं इंजीनियर हुआ तो मुझे इंजीनियरिंग में ही नौकरी लगना चाहिए। ये हमने पाँव, जब यदि मैं किसी चीज में इंजीनियर होने के बाद इंटरेस्ट रखता हूँ तो आई कैन स्टार्ट माई करियर फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट। 5-10 साल में आपके करियर में आप कहीं पहुंच जाते हैं ना। बेरोजगार रहने से ये रहेगा कि अपने मन की बात को आपने फॉलो किया, परसू किया, जैसे अभी एट द एज ऑफ 20 यू कम टू नो दैट व्हाट आर द थिंग्स आई लाइक। ये तो हमें पता चलता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट ये है, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें अटक नहीं रहना चाहिए। हम अभी ऐसे पढ़े हैं कि नहीं, मैं यदि ये डिग्री ली तो मुझे उसी में नौकरी चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमको ये चीज अच्छी लगती है तो चलो ये करेंगे। किसी को टॉकेटिवनेस का बहुत अच्छा, उसका जेनेटिकल उसमें ओरेटरी तरफ से, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो करता यानी जो भी उनके क्वालिटीज है वो ढूंढ के वो उसमें कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके घर से लेना चाहता हूँ मैडम, कि जैसे आपने मिस्टर एंड मिसेस जिचकर ने अपने बच्चों को किस किस्म का, आज दोनों आईआईटी पास हो चुके हैं, तो यहाँ किस किस्म का एक फ्रीडम कहिए, लिबर्टी कहिए, जो भी कहिए, आपने उनको एक करियर चूज करने का एक चांस दिया था, पहली थी, फोर्स किया था आपने? बताती ना, पहली बात तो मेरे जब बच्चे को स्कूल में डालने का समय आया तो हम एक शैक्षणिक तज्ञ जो है उनके पास गए, क्योंकि मेरा और मेरे मिस्टर का थोड़ा कंफ्यूजन था इंग्लिश मीडियम में डालना या मराठी मीडियम में डालना, क्योंकि मैं भी साइंस पोस्ट ग्रेजुएट थी तो मुझे भी लगता था कि इंग्लिश मीडियम में डाले या मराठी मीडियम में डाले। तो हमने ऐसे समय जब भी कंफ्यूजन आया हमने एक्सपर्ट का सलाह ली, तो उन्होंने बताया नहीं, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इन द मदर टंग। तो हमने दोनों बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में मराठी मीडियम में पढ़ाया, जिस वजह से बेस को अच्छा ग्रास्प, बेस और रुचि जो है ना पढ़ाई में रुचि होना, और जो अवांतर वाचन उसको बोलते जैसे रीडिंग की हैबिट लग जाती है बच्चों को। और ये नहीं है कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस से होशियार होता है, उसका ऑलराउंडर डेवलपमेंट सिर्फ रीडिंग से होता है। उसने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसका जो भी ऑथर अच्छा है, जो भी ऑथर है, ऑटोबायोग्राफी, एक बार रीडिंग की आपको आदत लगे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, आपकी लेवल ही बढ़ती है। यदि आप 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन पढ़ने से आपकी लेवल 8th स्टैंडर्ड तक भी जा सकती है। रीडिंग बहुत नेसेसरी है। तो मेरे बच्चे को तो मैंने वो 10th में, छोटे बच्चे को तो क्लास भी नहीं लगाया था, ट्यूशन क्रैश कोर्स 9-10 वो 2 महीने करा था, उसमें 10th में एकदम फ्री रखा था,
फ्री रख के उसको मैंने बैडमिंटन खेलने के लिए इधर उधर भेजती थी, दोपहर को आराम करो, शाम को बैडमिंटन खेलो, क्योंकि 10th तक पढ़ाई इतनी इजी है कि मैं तो बोलती हूँ फेल होना कठिन मुश्किल है, फेल होना मुश्किल है 10th में, इतनी इजी है। और हम बच्चों को इतना प्रेशर देते हैं, इतना प्रेशर देते हैं, और वो प्रेशर के कारण ही उसको डिफिकल्ट लगती है पढ़ाई। आपके बच्चों को आपने एक जो तरीका अपना है वो एक आइडियल एग्जांपल के तौर पे हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। आइडियल वगैरह कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है कि बच्चों को बच्चों का कर देना चाहिए। जैसे मैं मैथमेटिकल स्टूडेंट थी, इसके कारण मैंने बच्चों को कभी मैथ्स की ट्यूशन ज़्यादा लगाई नहीं अभी। और कैसा है कि बच्चों को कभी मैं लेके नहीं बैठती थी पढ़ाई के लिए, उनकी डिफिकल्टी सिर्फ सॉल्व करती थी, बाकी रीडिंग इंडिपेंडेंटली। हाँ वो ही करते, और उनका कहना था कि लेकिन वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई उनमें? जैसे आमतौर पे बच्चे डरे रहते माँ बाप से कि भाई इनको इतना वर्क करना है, फिर फादर या मदर को इसको यही पे हम मार खाते हैं। हमारे रिलेशन बहुत फ्रेंडली रहना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों ने कुछ भी चीज हमसे हाइड नहीं करना चाहिए, हर एक चीज हमसे बातें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और आपके रिलेशन जितने अच्छे पेरेंट्स के बच्चों के साथ है, उतने बच्चे शेयर करते हैं आपसे, और ये शेयरिंग बहुत जरूरी चीज है। और आज के न्यूक्लियर फैमिली में, पहले तो दादा दादी रहते थे तो शेयर करने के लिए, जॉइंट फैमिली, किसी के कजिन्स रहते थे घर में तो शेयरिंग अच्छा चलता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स यदि बच्चों से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो बच्चे आइसोलेट हो जाएंगे, उसके परिणाम जरा घातक। जी। और इसी प्रकार वो दोनों अपने अपने फील्ड में उन्होंने चुना। हाँ, आपने कभी फोर्स नहीं? नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं उनको कि IIT की पढ़ाई करना है, ये करना है, कुछ नहीं। उन्होंने ही रास्ता चुना। हम तो बोल रहे थे कि यानी बड़े बेटे के तो काउंसलर ने बताया था कि ये नहीं करेगा, ये नहीं जा सकता, IIT नहीं हो सकता। हाँ 2004 की बात है ये। तो वो बोला नहीं, मुझे IIT से करना है अभी। 2004 तब यानी इतना क्रेज भी नहीं है था। हाँ ऐसे कैसे बोला इसने, मैं नहीं कर सकता। ऐसे कैसे काउंसलर बोले कि नहीं कर सकता, मैं तो, मेरा तो करना ही है अभी। तो ये सब चीजें जो है जब मन में ठानता है, और ये हमें पेरेंट्स को कुछ नहीं करता है, बच्चों ने डिसाइड करना है उसे क्या करना है। यदि बच्चा डिसाइड करता है तो पक्का करता है, हमें सिर्फ उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है बस। तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि मैडम ने जैसे कहा कि अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट रखिए जिस वजह से बच्चा उसके फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेगा, और किसी बात पर उसको फोर्स न करे, बल्कि उसको अपना करियर चुनने का एक मौका दिया जाए और वो लाइफ में शाइन होगा। इसीलिए मैंने कहा ये आइडियल एग्जांपल है। ये बताइए कि जैसे वापस स्पोर्ट्स की तरफ आते हम, और ये आपके बच्चों ने स्पोर्ट्स कभी इसमें पार्टिसिपेट किया, ऑलराउंड एक्टिविटीज? बिल्कुल, उसके तरफ मैंने ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि स्पोर्ट हाउ इट इज नेसेसरी। तो मैं बच्चों को, हमारे जब ट्रांसफरेबल जॉब था 3-3 साल के बाद, जिसका सबके ट्रांसफर होती है, तो एक स्पोर्ट्स में कंटिन्यूटी नहीं रख सके। तो जैसे मुंबई में गए तो जूडो कराटे लगे, नागपुर में रहे तो टेबल टेनिस में जाएंगे, स्विमिंग में जाएंगे, बास्केटबॉल में जाएंगे, ऐसे हर एक गेम उनको, हाँ वैरिड स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है, इतना पक्का मैं उसके तरफ ध्यान देती थी। मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज भी मिल जाता है, रिलैक्सेशन। वो मेरा बहुत था कि बच्चों ने खेलना ही चाहिए, जो भी घर के पास गेम रहा है, बैडमिंटन कोर्ट है वहां पे लेके जाती थी बच्चे छोटे थे तो, टेबल टेनिस हो कुछ भी जी। घर में चेस चलता था, ये इसके तरफ मैं ध्यान देती थी। आज जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन से, इनमें से कुछ लोगों की हालत बहुत ही खराब है, इतनी खराब है जैसे कि उनके पास शूज नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास खान पान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स में कूदना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते, अच्छी बात है। तो क्या आपके हिसाब से कुछ, आप लोग अगर किसी इंडस्ट्री या कॉरपोरेट ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कह सकते हैं या फिर कुछ हेल्प कर सकते हैं आप लोग? करना चाहिए। हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी CSR फंड रहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, इन लोगों ने एक सामाजिक तौर पे, मैंने रेशम बाग में जब हमारे NMC ने फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज की थी तो विदाउट शूज वो फुटबॉल मैचेस चली थी रेशम बाग ग्राउंड में, विदाउट शूज, और ज्यादा से ज्यादा पूरे गरीब बच्चे वहां पे खेल रहे थे। हमारे जो क्रीड़ा सभापति है नागेश जी सहारे, उन्होंने वो NMC के कोऑर्डिनेशन से वहां पे ऑर्गेनाइज किए थे। तो मैं जब वो मैचेस देखने के गई, मैं हिल नहीं सकती थी, वो बच्चों का इतना स्विफ्टनेस और फोकस, मुस्लिम बच्चे थे बहुत अच्छे खेल रहे थे, पैशन, गरीब बच्चे थे और विदाउट शूज वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये स्पोर्ट्स ही इतनी अपने आप में अच्छी एक्टिविटी है
कि इसके इसमें जिसको खेलना है बराबर खेलता है। जी हमें हमारे पास पीटी उषा का उदाहरण है। हाँ जी जी, वो कहाँ हाँ, से कहाँ आज कहां? उसके नाम से एक रेलवे स्टेशन हाँ, उसके गांव में बन गया। हाँ, जी तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस से बात करोगी या फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लेके इन बच्चों के लिए कुछ जरूर करना चाहोगे आप? मेरे पास अभी भी बहुत बच्चे आते हैं बिंगम मेयर, और उनका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेना रहता है, जाने आने का खर्चा नहीं होता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तुरंत उनको, जैसे मॉइल है, WCL है, बड़े बड़े HCL है, बड़े बड़े कंपनी को मेरा लेटर देती हूँ कि आपके CSR फंड से इनको मदद कीजिए। कुछ बच्चों को मदद मिलती भी है और उनका होता भी है, तो ये मेरी एक्टिविटी चलती है। जो भी मेरे पास आता है उसको मैं लेटर देती हूँ और वो कंपनी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तमाम कॉर्पोरेशन स्कूल्स आपके अंडर में काम करती है, तो इन स्कूल्स को आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए? हमारे कॉर्पोरेशन स्कूल में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती है। हमने साल में एक बार यहाँ पे यशवंत स्टेडियम में हर एक गेम के मैचेस के इवेंट किया था, आपको मालूम है। और अभी भी साइकिल के इसमें एक बच्ची ने सेकंड प्राइज लाया खासदार क्रीड़ा महोत्सव में 8th-9th के। तो मेरे NMC के मेरे टीचर मेरे पास आए और बोले, देखो मैडम, ये अपने NMC के स्कूल की लड़की है, सेकंड प्राइज उसने उसके वयोगट के इसमें लाया। तो मुझे बहुत खुश हुई। और वो NMC के टीचर, उन्होंने भी खुद पार्टिसिपेट किया साइकिल के रेस में, उनके वाइफ ने भी पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि NMC के टीचर, उनकी वाइफ, वो बच्चे सब पार्टिसिपेट कर ले और नंबर भी ला रहे हैं। हमारे यहाँ NMC के स्कूल में ये नेशनल लेवल पे जूडो में एक बच्ची ने नाम कमाया है। ग्रेट, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट। अक्सर हम पेपर में पढ़ लेते हैं कि NMC स्कूल के जो बच्चे वो मेरिट में आए या फिर बाद में उन्होंने अचीवमेंट किया, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं पहली बार स्पोर्ट्स में भी आए हैं। जी तो आप NMC स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स को इस माध्यम से भी कम से कम बढ़ावा देकर उनको भी इनमें पार्टिसिपेट करने लगाओगे? एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, इसमें ऐसा है ही नहीं, कोई भी आए पार्टिसिपेट करे ऐसे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की और फ्रैंक ओपिनियंस रखे आपके। एक मैसेज अगर आप देना चाहोगे पब्लिक को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, युवा वर्ग को खासकर, तो क्या रहेगा? युवा वर्ग को यही मैं बोलूंगी कि आपका व्यक्तिमत्व इतना अच्छा बने कि लोग आपके ऊपर प्यार करेंगे, लोगों को आप बहुत अच्छे लगे। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सभी लोग अच्छे हैं, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी है। तो ये तो सब बात की चीज है, करियर करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, लेकिन अच्छा आदमी बने जी, ऐसा एक नेक इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आपने, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर वेंचर्स इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।